बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन आमिर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं मटन फ्राई, जो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ 1 किलो मटन लिया हुआ, इसे वॉश करके हमने यहाँ कुकर में डाला हुआ। इसको ये देखिए, हर तरह के पीसेज लिए हमने। इसके अलावा इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर देंगे। बाकी नमक हम जो इसके लिए मसाला बनाएंगे उसमें डालेंगे। और 1 टेबल स्पून हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें पानी डालेंगे, हमने यहाँ पे इसमें 1 गिलास पानी डाला है। क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ इसमें 1 गिलास पानी डाला है। और इसे अब तकरीबन 15 मिनट के लिए हम कुकर में इसको पकाएंगे ताकि गोश्त गल जाए और पानी जो है बिल्कुल सूख जाए इसका। यानी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, हमें कोई यखनी नहीं चाहिए इसकी, हमें गोश्त को गलाना है इसलिए हमने पानी कम डाला है। जब तक मटन कुक हो रहा है तो यहाँ पर हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। 4 टेबल स्पून हमने दही लिया है, बेसन लिया हमने 1 टेबल स्पून, चावल का आटा लिया है हमने, यानी पीसे हुए चावल लिए थे और उनको पीस लिया था, तो 1 टेबल स्पून हमने चावल का आटा लिया है। अमचूर पाउडर लिया हमने 1/2 टीस्पून, नमक लिया है 1/2 टीस्पून, भुना कुटा यहाँ पे ज़ीरा लिया हमने 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया हमने 1/2 टीस्पून, पिसी हुई मिर्ची लिए हमने 1/2 टीस्पून, और यहाँ पर लिया हुए हमने हल्दी ली हुई है 1/4 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे हमने पिसा हुआ धनिया लिया हुआ है 1/2 टीस्पून, काली मिर्ची पिसी हुई ली हुई हमने 1/2 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले जो हैं हम दही में डाल देते हैं। इसके अलावा चावल का आटा भी डाल देते हैं और बेसन भी डाल देंगे, और ये तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमने दही इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि हमें असल में जो जब बोटियाँ यहाँ पर बिल्कुल कुक हो जाएंगी तो हमें उसके अंदर मसाले को अच्छे से मिक्स करना है, चिपकाना है और हमें उसे फ्राई करना है, इसलिए हमने यहाँ पे दही लिया है बिल्कुल थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये मिक्स हो गया, इसे रख देते हैं साइड में। ये देखिए यहाँ 15 मिनट हो गए और गोश्त बहुत अच्छे से गल गया। ये देखिए बिल्कुल बीच में पानी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। ये देखें, आप चाहे तो इसको सुखा लें लेकिन बहुत ही थोड़ा सा पानी है। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। कुकर में बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाएगा वरना ये बिल्कुल ही हलवा हो जाएगा। तो परफेक्ट टाइमिंग जो है इसकी वो 15 मिनट है। गोश्त को हमने शिफ्ट कर लिया अलग से बाउल में। बस अब हम इसके अंदर ये जो मसाले हमने रेडी किए थे ये सब इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से गोश्त पर लगा देते हैं। ये देखें मसाले बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, ना बहुत ज़्यादा पानी वाले हो रहे हैं कि अब इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। ये देखें ये सब मसाले अच्छे से बिल्कुल चिपक जाएंगे इसके अंदर। ये देखें मसाले बहुत अच्छे से यहाँ पे इसमें मिक्स हो गए हैं। बस अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। बस अब हम अपने मटन के पीसेस को उठाएंगे और इसमें रखते जाएंगे। ये अंदर से बिल्कुल गला हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर देना है। बहुत झटपट रेसिपी है, अगर आपके मेहमान अचानक से आ जाएं तो आप ये कुकर में गला लें या वैसे गला लें या एक दिन पहले गला के रख लें। अगर कोई दावत है और आपको फ्राई करना है अगर आपको, तो आप एक दिन पहले इसको उबाल के रख लें और फिर अगले दिन बस मसाला लगाएं और फटाफट तैयार कर लें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। ये बिल्कुल फ्री है। ये देखिए गोश्त अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो रहा है। मैं आपको वैसे एक बोटी दिखा दूँ, ये मसाला लगी हुई है, देखें ये बिल्कुल अच्छे से गोश्त हमारा गल चुका है। हम इसे हाई फ्लेम पर कुक कर रहे हैं इस वक्त। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें अच्छे से एक साइड से हो रहा है ये। मटन दूसरे साइड से भी बहुत अच्छा फ्राई हो गया है। बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही जूसी बनी है यहाँ पर ये। बस अब हम सब निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए मटन फ्राई हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से हम इसमें नींबू डालेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखें ये नींबू डाला और हल्का सा बस चाट मसाला इसमें ऊपर से डालेंगे और ये आप खुद भी खाएँ, अपने मेहमानों को खिलाएँ, बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, अल्लाह हाफिज़।